रीवा जाते समय राकेश टिकैत का गन्ने टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा किया गया स्वागत। बारा थाने के अंतर्गत गन्ने टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत के स्वागत में बारा तहसील के गांव के लोगों द्वारा जमकर स्वागत किया गया और रीवा जाते समय राकेश टिकैत का माल्यार्पण भी किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी फसल गेहूं, चना, जौ, बाजरा जो भी फसल हो उनको काट कर दिल्ली फिर से धरने पे चले और गन्ने चौकी के इंचार्ज शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में भीड़ पर काबू रखा गया और स्वागत समारोह को संपन्न कराया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अंकुर यादव की खास रिपोर्ट। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी के स्वागत के लिए ये देखिए कितनी जनता इकट्ठी है। इसी बीच हम आज आपके बीच राम कैलाश कुशवाहा जी से कुछ बात करेंगे। आप लोग किस प्रकार का देखिए आज के अंदर आंदोलन चला रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत जी जा रहे हैं। आज उनके स्वागत में हम लोग स्कूल का जहाँ पर बना के छुटा है। ये जो आज सरकार ने भाजपा सरकार ने खेती के 3 काले कानून लाए हैं इसके लगातार जो है रद्द कराने की मांग हो रही है, लेकिन भाजपा इतनी निकम्मी सरकार है कि जो कि 107 दिन से किसान लगातार दिल्ली की पूरे सड़कों को जाम करके बैठा हुआ है, लेकिन ये निकम्मी सरकार सुनने को तैयार नहीं। पूरे खेती के ढांचे को ये जो है बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देना चाहती है, जिससे किसान खुद अपनी ही जमीन पर एक मजदूर की भूमिका में जो है हो जाएगा। ऑलरेडी जिस प्रकार से उसने जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है 1955 में संशोधन किया है, इस अधिनियम के संशोधन करने से जो है लगातार जिस प्रकार से कानून जमाखोरों के लिए कानून बनाया जा रहा है कि वो जो है जमा करेंगे, और जिस तरह से कानून में लिखा गया है कि 1.5 गुना तक जितने रेट है तो उसके 1.5 गुना तक बेचने की छूट ये दे रहे हैं। तो हम लोग इस तीनों क्षेत्र के काले कानून जो जनता के पक्ष में नहीं है उनका विरोध करने के लिए और राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए। सर आप क्या है राकेश टिकैत से इस सब बारे में बात करना चाहेंगे? देखिए आज तो खाली स्वागत का कार्यक्रम है, राकेश टिकैत तो खुद आंदोलन चला रहे हैं। हमारा भी संयुक्त मोर्चा जो कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के अंदर आंदोलन करा, हम उसके एक धड़ा तो जो है लगातार एक आंदोलन देश के अंदर चला उसके। धन्यवाद सर। ये थे राम कैलाश कुशवाहा जी जो कि हमारे बीच में उपस्थित होकर हमसे बात किए। धन्यवाद आपके बात करने के लिए। हम प्रयाग एक्सप्रेस से खास रिपोर्ट अंकुर यादव। आइए हम पहुँच चुके हैं गन्ने टोल प्लाजा पर, जहाँ की यहाँ पे आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी का स्वागत के लिए हमारे बीच राष्ट्रीय लोक दल के नेता जी जो रामप्रेम पटेल जी हमारे बीच आ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग किस प्रकार का स्वागत करना चाहते हैं? यहाँ जो कि आज हम लोग यहाँ भंडारण की व्यवस्था थी किसान नेता राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए उसके बाद 1955 में जिस ढंग से सरकार किसानों पे अत्याचार कर रही है, किसानों की मांगे नहीं मान रही है, किसानों को अपनी बात उठाने पर उन पे आंसू गैस पानी की बौछार का लाठीचार्ज किया जा रहा है। किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी नक्सली कहा जा रहा है। किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। किसानों पे देशद्रोही सुसार आज जैसी धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ किसानों की मांग को लेकर संघर्ष करने वाले नेता राकेश टिकैत का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से जा रहे थे रीवा, स्वागत करेंगे रास्ते में, हम लोगों को रोक करके स्वागत करेंगे अपने नेता का, किसानों की आवाज़ उठाने वाले नेता का, हौसला बुलंद करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए। सर आपको ये जो 3 कानून दिए गए हैं उसमें आप लोग उसको बारे में क्या कहना चाहते हैं? कानून है ये किसानों के बिल नहीं, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले बिल है।
और इस इन तीनों बिलों में किसानों के फायदे का एक भी लाइन कहीं भी बात नहीं है। इस इन बिलों में केवल उद्योगपतियों को ही फायदा पहुंचने वाला है और इस बिल लागू हो जाने के बाद किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाएगा और किसान पूंजीपति का गुलाम आइए हम और से बात करेंगे आगे चल के। हम अरे हमारा लेबा प्रयागराज एक्सप्रेस की खास